अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये देख सकते हैं मैं बांगड़ा मच्छी की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको अच्छे से धोकर मैंने साफ़ करके देख सकते हैं इसमें बीच बीच में से चाकू से कट करके ली हूँ ताकि मसाले इसके अंदर जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए फिश। बांगड़ा फ़िश है ये, मैंने छः ली हूँ, छः बांगड़ा फ़िश है ये। अब इसमें मसाले देखिए अब क्या क्या लगने वाले हैं। एक मिक्सर का छोटा सा जार ले लें, उसके अंदर मसाले पीसना है। तो ये देखिए मसाले, ये थोड़ा सा हरा धनिया ली हूँ मैं, इसको धोकर रखी हूँ। और ये एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ली हूँ और ये छः से सात कलियाँ लहसुन की और ये तीन से चार हरी मिर्च है ये। अब इसको हम पीसेंगे सब डालकर। ये देखिए मैं मिक्सर के छोटे से जार में डाल रही हूँ सब चीज़, लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया और ज़ीरा। ये देखिए मैंने इसके अंदर सब डाल लिया है और ये थोड़े बहुत मसाले इधर पे थोड़े से उसके अंदर डाले हैं पीसने के लिए। और ये मैंने आधा टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली हूँ क्योंकि हरी मिर्च मैंने कम ली हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे पीसे हुई, आधा चम्मच है ये। और हल्दी भी है आधा टेबल स्पून है ये। और ये नींबू का रस है आधा और ये ऑयल है आधा डोंगा ऑयल ली हूँ मैं, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे, पहले ये मसाले पीस लेंगे। ये मसाले लगा के बनाने से बहुत अच्छी फिश बनती है। और मैंने ये नमक बताना भूल गई थी, तो ये नमक भी अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, आधा चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने मसाले पीस कर ली हूँ, अब इसको मसाले लगाएंगे। अगर आपको सूखा पीसना है तो आप सूखा भी पीस सकते हैं इसमें बिना पानी डाल के, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीसी हूँ। और ये देखिए मैंने ऑयल इसके अंदर डाल लिया है और ये मैंने जो आधा नींबू का रस निकाली थी वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको मसाला लगा के फ़िश को। कम से कम 10 से 15 मिनट रख दीजिएगा फ्रिज में और उसके बाद तलिए, इतना टेस्ट आता है फ़िश में, आप उंगली चाटती रह जाएंगे सब। तो मैंने ये देखिए मसाला पीस के ले ली हूँ। तो ये मेरा, ये मैं उल्टे हाथ से नहीं लगा रही हूँ, ये सीधे ही हाथ से लगा रही हूँ, लेकिन ना इसमें कुछ मोबाइल के वजह से ना इसमें उल्टा लग रहा है। ये देख सकते हैं मैं मच्छी को कितना अच्छे से अलट पलट करके और उसके अंदर जो कटिंग है उसके अंदर भी मैं मसाला लगा रही हूँ, आप भी ऐसा लगा के रखिएगा। ये देख सकते हैं फ़िश का कलर, मसाले लगा के रखने से इसका कलर ही देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन लग रहा है। तो आप इसको तल के खाइएगा प्लीज, बहुत टेस्ट आता है। तो ये देख सकते हैं मैंने 10 से 15 मिनट रख चुकी थी, अब इसको मैं फ्राई करने के लिए निकाल ली हूँ। और गैस पे मैंने तवा भी रख चुकी थी, ये पैन है डोसे का, लेकिन ये डोसे मैं डालती नहीं हूँ इसके ऊपर, खराब मतलब मुझे यूज़ में नहीं आता था, तो सिर्फ इसमें मैं फ़िश तलती हूँ।
हाँ फ़िश फ्राई करने के लिए रखती हूँ। इस पर फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है फ़िश, तो इसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ फ़िश के लिए। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने फ़िश इसके अंदर डाल ली हूँ, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है देख सकते हैं आप। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़िश पे मसाला नहीं लगा है, लेकिन अच्छे से मसाला लग चुका है। और मैं ये देख सकते हैं जो कटिंग का मैंने चाकू से की थी फ़िश के अंदर, तो ये चम्मच से मैं मसाला भर रही हूँ। और ऐसा मसाला भर के फ्राई करने से जो टेस्ट आता है ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आया है। हमने घर में बहुत शौक़ से बच्चे ने खाए थे सब, और दे बोल रहे थे बहुत अच्छी फ़िश बनी है करके। तो आप ऐसा ज़रूर ट्राई करिएगा फ़िश घर में। तो ये देख सकते हैं एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी थी फ़िश, अब मैंने पलटी करके दूसरी साइड से भी मैंने फ्राई करके ले ली हूँ फ़िश को। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी बांगड़ा फ़िश फ्राई हो चुकी है ये। और ये देखिए इसका मसाला चेक करिए कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। और ये फ़िश भी देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंगदार और कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है ये देख सकते हैं। और खाने में भी बहुत मज़े की है ये फ़िश। और ये जो मैंने मसाला बचा था वो इसके ऊपर से डाल दी हूँ। और ये जो नीचे मसाला पक रहा है उसके ऊपर डालने से और टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं ऐसा फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर से डाल रही हूँ जो नीचे पक रहा है मसाला और तेल, उसके ऊपर से डाल के और फ्राई कर रही हूँ। जहाँ मैंने चाकू से कट करके रखी थी वही फ़िश को जहाँ से कट की हूँ ना, तो वहीं पर से मैं उसके अंदर अंदर डाल रही हूँ मसाला और तेल जो नीचे पक रहा है ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर ऊपर डाल रही हूँ। मैंने इसको पूरी तरीके से आपको बताई हूँ कि ऐसा फ्राई करना है, इसलिए इसको मैंने एक देख सकते हैं बार बार तेल डाल डाल कर बता रही हूँ कि इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। और ये भी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है ये देख सकते हैं आप, कलर देखिए उसका फ्राई होने के बाद। और ये नीचे देख सकते हैं मसाला उसका पक रहा है। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी फ़िश। तो ये देखिए हमारी बांगड़ा फ़िश फ्राई हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इफ्रा खान चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और फिर मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।